सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में आप सभी को शो करने वाला हूँ कि यहाँ पे MIUI डायलर हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि यूज़र्स MIUI डायलर को यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं एज कंपेरिजन टू गूगल डायलर। तो यहाँ पे MIUI डायलर का रियल ट्रूथ आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड 13 में इसका हमें एक डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद से MIUI डायलर की यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं बचने वाली। तो यहाँ पे MIUI डायलर दो फीचर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और सभी यूज़र्स ये सारे फीचर्स अपने गूगल डायलर में भी चाहते हैं। तो सबसे पहला फीचर, आप जब भी किसी को कॉल करते हैं तो उस पर हमें जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है वो MIUI डायलर में देखने के लिए मिल जाता है और वो हमें विदाउट अनाउंसमेंट मिलता है। तो ये वाला फीचर गूगल डायलर में अवेलेबल नहीं है। और जब भी आप अपने MIUI की थीम को यूज़ करते हैं तो आपके MIUI डायलर, MIUI मैसेजिंग, MIUI कॉन्टेक्स्ट में भी वो थीम अप्लाई हो जाती है, लेकिन गूगल डायलर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये भी हमें एक डिसएडवांटेज मिल जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई iOS की थीम अप्लाई की तो आपका जो MIUI डायलर का UI है, आपका MIUI डायलर का जो आइकन है, वो सब कुछ थीम के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो ये दो चेंजेस हमें गूगल डायलर में देखने के लिए नहीं मिलते। और तीसरा चेंज ये है, मान लीजिए कि आप कोई भी यहाँ पर गेम खेल रहे हैं अपने Xiaomi के डिवाइस में, Android 12, Android 13 में आपके पास MIUI डायलर है, अगर आप किसी भी गेम को प्ले करते हैं तो गेम को प्ले करते समय अगर किसी का भी कॉल आ जाता है तो वो कॉल अब फुल स्क्रीन में ओपन हो जाती है। अगर आप Android 13 को रन कर रहे हैं, Android 12 तक आकर किसी का कॉल आता है तो वो आपको सिंपली एक पॉपअप के द्वारा ही शो होता है, वो फुल स्क्रीन में ओपन नहीं होता।